नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिकल गुरु के चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं वीडियो वेवल एंड इम्बोज के अंदर में कि कोरल ड्रॉ में वेवल इम्बोज कैसे होता है। एक एक स्टेप के साथ बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं वो आपको आप टेलीग्राम के ग्रुप पे भी मिल जाए करेंगी, जिससे आप किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स डालूंगा जिससे आप और भी अच्छी तरह से कोरल ड्रॉ शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा आज की वीडियो खास ही मेरे एक स्टूडेंट की फरमाइश पे है। उसने मुझसे बोला कि सर मुझे वेवल इम्बोज करना सिखाइए, तो उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। और साथ ही साथ अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपको कोरल ड्रॉ की पूरी एक सीरीज वीडियोस बना के दूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर आपको कोरल ड्रॉ के बारे में एक चीज़ सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही होते हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के ला पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पेज ले रखा है ऑलरेडी, तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने इसको पेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं इस पर कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, कि इम्बोज करना कैसे देते हैं उसके लिए हम लिख लेते हैं कुछ। तो मैं नॉर्मली टाइप कर रहा हूँ इम्बोज, ठीक है। तो मैंने ये इम्बोज टाइप कर लिया है टेक्स के अंदर में, वेवल इम्बोज के अंदर में। तो देखो अभी तो ये ऑप्शन नहीं आएगा इम्बोज का, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इम्बोज हम करना चाहते हैं, तो अभी क्या करना पड़ेगा, मेरे को टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट को थोड़ा हम कर देते हैं बड़ा, ठीक है, टेक्स्ट बड़ा हो गया। ये देखो यहाँ पे आ गया, थोड़ा बोल्ड कर लो, ये अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है, बोल्ड इटैलिक जैसा भी आप डिज़ाइन चाहते हैं आप वैसा कर लो। इसको मैं अंदर से इसका कलर हटा रहा हूँ और राइट क्लिक करोगे कलर पे। देखो आप इसमें छोटी सी ट्रिक समझो कि जब आप अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करते हो तो अंदर कलर भरता है, लेकिन जब आप राइट क्लिक करते हो तो आउटलाइन आती है। तो अभी हम इस वाले बॉक्स पे अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो अंदर से कलर चला जाएगा, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन भी गायब हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आउटलाइन अगर मैं कोई भी कलर की लेता हूँ तो मुझे राइट क्लिक ही करना है। देखो आप देख सकते हो कि कलर अलग अलग चेंज हो रहा है, तो राइट क्लिक से आउटलाइन चेंज होता है, जबकि अगर मैं इसी पे लेफ्ट क्लिक करूँगा कलर बॉक्स पे तो ये इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा लेफ्ट क्लिक से, लेकिन मुझे कलर नहीं फिल करना है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। और हम आउटलाइन कर लेते हैं ब्लैक। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर आपको एक टूल मिलता है, इसको बोलते हैं कॉन्टोर टूल। ये थोड़ा सा आप डिज़ाइनिंग देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये देखो, ये आप इसमें थोड़ा ज़्यादा कैसा भी डिज़ाइन आप दे सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे 0.075 का रखा है। आप इस तरह से कम और कम ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने 2 रखा 3 रखा, आपके हिसाब से आपको जो भी रखना है डिज़ाइन, आप वो डिज़ाइन आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसमें पूरा ही डिज़ाइन रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर हम एक कर देते हैं, ये देखिए यहाँ से डिज़ाइन कम ज़्यादा, ठीक है। 1-2 करोगे तो ये क्या होगा कि ये और अच्छा उसमें निकल के आएगा, ठीक है। 1 या 2 इस पर रखेंगे, तो ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह अच्छी समझ में आ जाए कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल इसको कर लिया है। इसको करने के बाद क्या होता है कि आप चाहो तो इन दोनों को आपस में अलग अलग कर सकते हो। उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ K बटन दबाना है। कंट्रोल K दबाओगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये अलग हो गया और वो अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं पीछे की तरफ कर देता हूँ ब्लैक कलर, और आगे के जो बॉक्सेस हैं इनको मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है, या कोई भी और कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास 2 कलर दिख रहे हैं, जिसमें ये अलग डिज़ाइन है। मैं आपको अलग करके दिखाऊं तो ये अलग डिज़ाइन है और ये अलग डिज़ाइन है, लेकिन कॉन्टोर की वजह से ये एक ही पॉसिबल हुआ है, ठीक है। अब इसी में अगर आपको एक और कॉन्टोर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टोर टूल हो रखा है, तो मैं कह रहा हूँ एक और कॉन्टोर करना है, तो ये देखो एक और हो गया, ठीक है। फिर इसको और इसको अलग करना है तो आप चाहो तो उसको भी अलग कर सकते हो इस तरीके से लेकर। आपको कंट्रोल किए दबाना है बस, वो चीज़ें आपस में अलग अलग हो जाएंगी। फिर ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, दोनों आपस में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसे लेकर आप कोई और भी कलर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको करा अलग कलर, और ये वाला मैं रेडी रहने दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। जो भी कलर आपको पसंद है, क्योंकि ऐसा है कि मैं जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो बाद में एडिट नहीं करते, मैं आपको जैसी वीडियो बन रही है मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल कैसे, इसको मैंने अलग कलर कर लिया, ये देख लो। अब अगर इसकी आउटलाइन भी आपको हटानी है तो आपको फिर से वही तरीका अपनाना है, यहाँ जाना है और सीधा राइट क्लिक कर देना है। हालांकि इसके अलावा और शॉर्टकट भी होता है, F12 दबा के आप उसे कर सकते हो, और इस तरीके से भी कर सकते हो। अब
मसला ये आता है कि कई बार क्या होता है कि जब आप एक बार माउस चला रहे हो, एक बार कीबोर्ड चला रहे हो, तो अगर आप प्रोफेशनली काम सीखना चाहते हो तो आपको एक ही चीज़ पे काम करना चाहिए कि आपको एक कमांड ले लो। अगर आप कीबोर्ड से कमांड ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कीबोर्ड से ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल मैंने दोनों को लेके कंबाइन कर देता हूँ, कंट्रोल एल, ठीक है, या कंट्रोल जी कर देते सबसे अच्छा रहता है। कंट्रोल एल में क्या होता है, कलर आपस में अलग हो जाते हैं, लेकिन जी में क्या होता है, वो ग्रुप रहता है। तो हम इसको ले लेते हैं, और इसको लेने के बाद हम यहाँ पे बिट मैप में जाते हैं, कन्वर्ट टू बिट मैप कर देते हैं। कन्वर्ट टू बिट मैप हमने जब कर दिया इसको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर में अगर आपको इफेक्ट देना है, तो जैसे मान लो आप कह रहे थे कि बेवल इफेक्ट देना है, तो यहाँ पे देखो ये 3D में इम्बोज इफेक्ट ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, 3D इम्बोज ऑन हो गया। अब यहाँ पे ये इम्बोज ऑन हो गया, तो आप इसकी इसकी डेप्थ वगैरह देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब क्योंकि हमने बैकग्राउंड ब्लैक ले रखा है, तो ये अभी ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कलर की वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। ये देखो, मैं आपको इसको ओके करता हूँ, और आपको पीछे वाला थोड़ा सा अलग कलर करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लाइट ग्रे रखता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने ये कलर ले लिया, और इसकी भी आउटलाइन हम लोग हटा देते हैं पीछे वाले की। ठीक है, ये आउटलाइन हम, मैं इसको सेक रख करके आउटलाइन मैं हटा दे रहा हूँ, और अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो तो आप F12 दबाकर भी आप आउटलाइन चेक कर सकते हैं कि हटी है कि नहीं हटी। ठीक है, फिलहाल ये हो गया। देखो यहाँ पे ये तो हो गया इम्बोस वाला काम जो कि आपने पूछा था। ठीक है, अब इसमें और भी जो ट्रिक्स है वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जैसे ये तो इम्बोस वाला काम है, देखो इम्बोस पे क्लिक करोगे, अब आप यहाँ से जो भी सेटिंग्स आप करोगे, यहाँ से ज़्यादा डेप्थ बढ़ाओगे, देखो ये, देखो ये डेप्थ ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से ये ऊपर उठता रहेगा। ठीक है, ये देखो, और यहाँ से ये लेवल होते हैं। ठीक है, इन लेवल को जितना कम रखोगे उतनी कम इसकी विद आएगी, जितना ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा विद आएगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना, ये देखो, ये मालूम चल रहा है आपको को? ये देखो, ये जो ब्लैक ब्लैक ये चीज़ आ रही है, ये वाली, ये इसको इम्बोज करती है, ताकि लोगों को पता लगे अच्छा ये अलग चीज़ हो रही है, वो अलग चीज़ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ सीख ली। अब मैं आपको इसी में एक और इफेक्ट सिखा रहा हूँ, उसको बोलते हैं प्लास्टिक रैप। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे देखो अलग अलग इफेक्ट्स हैं। तो जब भी आप सीख रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में जब आप सीखो, तो हर एक ऑप्शन को ट्राई कर करके देखो कि किस ऑप्शन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आर्ट स्टॉक में देखो, यहाँ पे पेस्टल्स हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आप किसी भी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये देखो, ये सारे ऑप्शंस हैं, आराम से एक एक ऑप्शन यूज़ करके देखो किससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, क्रिएटिव में देखो, यहाँ पे ये फैब्रिक है, यहाँ पे पार्टिकुलर्स है, अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, कॉन्टोर के अंदर में, कलर्स के अंदर में, कैमरा है, ब्लरिंग के ऑप्शन में, आर्टिस्टिक, डिस्टॉर्ट, ठीक है, नॉइस में, शार्पन में, टेक्सचर के अंदर में। तो मैं फिलहाल एक आपको प्लास्टिक इफेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ये कैसा लगेगा प्लास्टिक में, और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो टेक्सचर में आ जाओ आप लोग, आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपको वही बिट मैप में जाना है, टेक्सचर में जाना है, और यहाँ से प्लास्टिक इफेक्ट यूज़ करके देखो। ठीक है, ये देखो, ये प्लास्टिक इफेक्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे इसमें ये इसने क्या किया, इसने ये येल्लो येल्लो कलर हाईलाइट करा दिया। अब अगर आपको कोई और कलर हाईलाइट करना है, जैसे वाइट कलर हाईलाइट करा, तो ये देखो, ये वाइट को हाईलाइट कराएगा, या थोड़ा सा इसमें मैं ये वाला वाइट ले रहा हूँ, तो ये देखो, जो भी हम कलर यहाँ पे लेंगे, ये उस कलर को यहाँ से हाईलाइट करा देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा ब्लू की शेडिंग आ जाए रेड के ऊपर, तो रेड, लेकिन वो ब्लू शेड अच्छा नहीं लगेगा। येलो ले लोगे तो ज़्यादा थोड़ा सा दिखेगा उस चीज़ को, है ना, येलो थोड़ा दिखाता है। इसके बाद यहाँ पे ये हाईलाइटिंग की है, कितना हाईलाइट करना है, कितना कम नहीं करना है, डेप्थ कितनी बढ़ानी है, ठीक है, और स्मूदिंग कितनी रखनी है, तो ये उस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, इसको मैं एक साइड कर देता हूँ, ये आई होप आपको इम्बोज वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक साइड कर देते हैं, और मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन समझाता हूँ। ठीक है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक टूल लिखा, मैंने यहाँ पे, हम प्लास्टिक वाला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, तो प्लास्टिक हम लिख रहे हैं, और इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, जब आप शिफ्ट का बटन दबाओगे, चाहे राइट या लेफ्ट, आप शिफ्ट दबा कर जब आप इस पर लेके आओगे, तो निशान चार तीरों वाला निशान बन जाएगा। इसके बाद आपको चार एरोज वाले निशान को अपना क्लिक दबा कर इसको सिलेक्ट करना है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, इसमें आप जैसा मर्जी इसको कर लो, चाहे आप कॉन्टोर देना चाहो इसको, थोड़ा सा कॉन्टोर दे दो। कॉन्टोर में क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना आपकी, ये थोड़ी और निकल के आ जाती है, ये देखो, जैसे ये है, तो ये देखो यहाँ पे एक है, मैं यहाँ पे इसको एक कर देता हूँ, तो एक में थोड़ा दिख रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जो है पॉइंट्स जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे और ज़्यादा दिखेगा। तो ये चीज़ हो गई प्लास्टिक वाली। इसके बाद इसके अंदर हम कलर्स को अलग अलग करना ये हमने सीखा था अभी, ठीक है, कंट्रोल के दबाकर ये कलर अलग हो गया। पीछे वाले के अंदर आप चाहो तो जैसा मर्जी कलर आप चाहो करना, मैं इसमें वाइट ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट प्लास्टिक इफेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये लिए हमने हमने क्या किया था, पहले कन्वर्ट टू बिट मैप किया था। कन्वर्ट टू बिट मैप करने के बाद हमने बिट मैप किया, टेक्स्चर में गए और टेक्स्चर में जाके हमने किया प्लास्टिक, ठीक है। तो अभी देखो मैंने आपको दिखाया कि हमने एक ही कलर का इस्तेमाल किया है इसके अंदर में, यहाँ पे प्लास्टिक का। और यहाँ पे हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं, हाइलाइट्स को हम बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे स्मूथनेस को भी हम बढ़ा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं प्लास्टिक इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, ये इफेक्ट में थोड़ी शार्पनेस आ रही है, डेप्थ वगैरह अगर आप देखो तो ध्यान थोड़ा दोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो लाइट की डायरेक्शंस होती हैं, आप इन डायरेक्शंस को इधर उधर करके देखो, ये देखो, ठीक है। और ज़्यादा सिंपल मैं करके दिखाऊँ तो आपको, पहले जैसे मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट को पहले, ठीक है, ठीक है, ये है। और मैंने इसको कलर ले लेते हैं ये वाला। अब फिर से मैं एक बार कर रहा हूँ कन्वर्ट टू बिट मैप। तो ये है आपका ऑप्शन। इसके बाद बिट मैप में जाओ और बिट मैप में जाने के बाद टेक्सचर में जाके यहाँ से करो प्लास्टिक वाला इफेक्ट को ऑन। तो अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे प्लास्टिक लग रहा है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर वही लिया है, आपको लाइट येलो दिया है, स्मूथनेस थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। और यहाँ से हम इसको हाईलाइट्स को ऑन करते हैं, हाईलाइट्स को ज़्यादा करते हैं। जितना ज़्यादा आप हाईलाइट करोगे उतना ज़्यादा आपको येलो का शेड उसके ऊपर दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो ज़्यादा हाईलाइट हो गया, कम हाईलाइट करो, ये देखो डेप्थ इसकी, ये देखो आप अपने हिसाब से रख सकते हो इसको, ये देना स्मूथनेस करना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है कोई भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये इम्बोज का रहा इफेक्ट, इसमें दो इफेक्ट लगा रखे हैं, एक हमने इम्बोज भी लगाया, एक हमने प्लास्टिक लगाया, ये सिंपल प्लास्टिक इफेक्ट है। तो आप कोई भी इफेक्ट इसमें लगा के आप आराम से काम कर सकते हैं। इसके अलावा बिटमैप के अंदर ये सारे इफेक्ट होते हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोरल ड्रॉ एकदम अच्छे से सीखना है, एकदम प्रोफेशनली सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए हार्डवर्क करूँगा। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर ये वीडियो काम की लगी हो, और नॉलेज जो है दूसरों के साथ शेयर करने से ही बढ़ती है, तो अपने किसी भाई या फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि उसको भी कुछ अच्छा और नया सीखने को मिले। और तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू।